बहुत बहुत थैंक। चलो जी, बड़ा ही जाता। चलो, बैंक लोन, समझ गया अर्जा, इतना इसका मतलब समझा क्या लिख रहा है सर? यस सर, यहाँ तक तो समझ गए सर। अब तुम खाली समझो, ठीक है ना? अब अपना दिमाग जिधर बोलेंगे उधर लगाना। इधर देखो, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट है, स्टॉक है, डेटर है, कैश एंड बैंक है, कैश एंड बैंक है, और कोई अदर एसेट कर देते हैं, और एक एसेट का और नाम दे दो, फर्नीचर है। अमाउंट बताओ, कैपिटल है हो गया 4 लाख, क्रेडिटर हो गया 2 लाख। अपने मन से लिख रहे हैं, ठीक है ना? एक डमी बैलेंस शीट क्रिएट कर रहे हैं। क्रेडिटर हो गया 2 लाख, बिल्स पेबल हो गया 50 हजार, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया 50 हजार, बैंक लोन हो गया 3 लाख। टोटल कितना हुआ जोड़ो तो? 4 लाख, 2 6 लाख, 1 7 लाख, 7 3 10 लाख हो गया एसेट। लायबिलिटी 10 लाख एसेट में कर लो, इसको करो 3 लाख, इसको करो 1 लाख, इसको करो 70 हजार, इसको करो 30 हजार, इसको करो कितना हुआ, 3 1 4, 4 1 5, इसको करो 1 लाख 70 हजार, इसको करो 1 लाख 30, तो 2 लाख बढ़ गया। 3 1 4 3 7, इसको करते हैं 2 लाख, इसको करते हैं 1 लाख, 10 लाख हो गया जी। आया ना? यस सर, देखेगा यस सर, आ रहा समझ में? ये जो बिजनेस है ना प्रकाश इंटरप्राइजेस को, आर झा तुम एक्वायर कर लिए, हाँ है ना? यस सर, तुम परचेज कर लिए, क्या कर लिए? बिजनेस को परचेज कर लिए। कुछ समझा क्या बोल रहे हैं सर? यस सर, जिसको बोलते हैं अमलगमेशन में बोलते हैं, एक्विजिशन बोलते हैं, परचेज बोलते हैं, मर्जर बोलते हैं, सब हम ये सब डिफिनेशन नहीं बता रहे हैं कि अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर क्या होता है, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज क्या होता है, एक्विजिशन क्या होता है, ठीक है ना? मर्जर क्या होता है, डी मर्जर क्या होता है, ये सब कुछ नहीं, हम सीधे ठेठ में तुमको बता रहे हैं, और ठेठ में ही समझना। एक समझोगे 10 चैप्टर आगे का तुम्हारा खत्म हो जाएगा, आगे तुमको लाइफ में मिलेगा अमलगमेशन, ठीक है? अब बहुत हैवी चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अकाउंटिंग लाइफ में। इस बिजनेस को ही हमने परचेज कर लिया, प्रकाश इंटरप्राइजेस का बिजनेस है ना? यस सर, प्रकाश इंटरप्राइजेस मान लो कोई थर्ड पार्टी है, उसको हमने परचेज कर लिया। पहले हम भी कोई बिजनेस अपना चलाते होंगे, मेरा एक yes. दुकान है, मेरा एक दुकान है, दूसरा दुकान है, परचेज कर लिया। तो कभी भी सुनते हो कि कोई दुकान परचेज किया, बिजनेस परचेज किया, तो बिजनेस थोड़े परचेज करता है जी, उस बिजनेस का एयर इंडिया परचेज, एयर इंडिया को परचेज कर लिया ना, फिर अभी टाटा को एयर इंडिया सेल कर दिया ना जी गवर्नमेंट ने। यस सर, एयर इंडिया क्या नाम है, नाम से थोड़ा सा नाम में थोड़ा इधर उधर है, इंडियन एयरलाइंस जो भी, पहले गवर्नमेंट टाटा से ले ली थी, इंडियन एयरलाइंस है सर, इंडियन एयरलाइंस, एयरलाइंस, और उसको अभी क्या टाटा को दे दिया, फिर से टाटा ने खरीद लिया, खरीद लिया। तो टाटा ने क्या खरीदा भाई, क्या खरीदा? एसेट्स, इंडियन एयरलाइंस का सारा एसेट परचेज कर लिया, ठीक है? इसमें जरूरी नहीं कि 100% एसेट परचेज हो, जो अच्छा नहीं लगा वो नहीं परचेज करेंगे। वो समझ में आ रहा है अर्जा? यस सर, ठेठ में बोलते हैं, खाली ठेठ में समझना, जहां अपना लॉजिक लगाएगा पहुंच जाएगा। तो इस बिजनेस प्रकाश इंटरप्राइजेज को तुमने परचेज कर लिया, ठीक है? तो तुम इस बिजनेस को क्या परचेज करोगी, बिजनेस का क्या, बिजनेस कोई परचेज करता है कि उस बिजनेस के एसेट और लायबिलिटी को परचेज करता है? एसेट्स एंड लायबिलिटी। तुम बोलोगे कि एसेट लायबिलिटी दोनों बराबर होता है, सर आप तो बताए थे ये सारा एसेट में हो सकता है कि कोई एसेट वो नहीं परचेज करे, उसको लग गया ना, जानते हो क्या कि स्टॉक जो है ना सड़ेलियल स्टॉक है, खराब स्टॉक है, हाँ या ना? पहले तो बोला कि हम परचेज नहीं करेंगे स्टॉक को, लेकिन उसको हम प्रेशर दिए ना कि सारा एसेट तुम परचेज कर रहे हो, तो स्टॉक कौन परचेज करेगा? हम लोग बोलते हैं ना जी,
गांव में देखते चावल उबल बेचते हैं तो अच्छा चावल जो परचेज करेगा, खराब चावल भी उसी को बेच देते हैं, है ना? यस सर। यस या नो, हमेशा कंफर्म करते रहना, है ना? बता। यस सर। खराब चावल तो उस रेट पर तो नहीं लेगा, कम रेट पर 1,70,000 का स्टॉक है, जानते हो कितना मिलेगा? 40,000, है ना? लैंड एंड बिल्डिंग कितना में बोला? बोला सर 20-3 लाख, 2 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग आपका है। रेट ऊपर नीचे हो सकता है, निगोशिएशन पर ये डिपेंड करता है, को समझ रहा है? और झा, यस सर, यस सर। उसने मान लो उसने अब सारे एसेट को अलग अलग कभी नहीं परचेज करता, एक बार टोटल बिजनेस का एक वैल्यू लगा दिया कि सारा एसेट हम ले लेंगे आपका, है ना? यस सर। और सारे एसेट के बदले सारा लायबिलिटी भी ले लेंगे आपका, आपको हम 7 लाख रुपया देंगे, ठीक है? कितना रुपया देंगे? 7 लाख। 7 लाख। इसमें उसने क्या परचेज किया? कंपनी का, फर्म का एसेट परचेज किया और लायबिलिटी परचेज किया, ठीक है ना? वो जो परचेजर है वो बता रहा है, वो परचेजर है वो बता रहा है कि लैंड अनबिल्डिंग का कितना वैल्यू है जी? 2 लाख। समझ गए? यस सर। प्लांट एंड मशीनरी का कितना वैल्यू है? प्लांट बोलता है कि 1,50,000 का है, परचेजर बोल रहा है। यस सर। स्टॉक कितना का? 40,000 का। डेटर 1,10,000 का। कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक तो कोई सेल नहीं करता है जी, कैश एंड बैंक क्या परचेज करो? कैश किसी का कोई परचेज करता है क्या? नहीं सर। वो भी परचेज, वो भी तुम परचेज कर लेगा, इसको परचेज किया कितना में? 2 लाख में। समझ गए? इतना कितना में परचेज किया है? 7 लाख में। इसका मतलब क्या हुआ? हम प्रकाश इंटरप्राइजेस को कितना रुपया देंगे? 7 लाख रुपया देंगे। कितना देंगे? 7 लाख। सब लोग आराम से मेरा एक एक बात सुनना, हम एक चीज नहीं बता रहे हैं, पूरा अमलगमेशन क्रक्स बता रहे हैं। लैंड परचेज, लैंड एंड बिल्डिंग कितना में परचेज किया जी? 2 लाख। ये अपना वैल्यूएशन कर रहा है कि 2 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग है। तुम जाके एक दुकान में जानते हो लॉट में परचेज कर लिए सारा चीज, उसमें से लैंड एंड बिल्डिंग कितना का? 2 लाख का। समझ गए सर? हाँ। ये जो वैल्यूएशन 2 लाख का है, वो जो परचेजर है वो सोच रहा है? हाँ, यस 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 यस। समझ रहे हो? ये इस तरह का पॉइंट नोटेड होना चाहिए, दिमाग में आना चाहिए। सेलर तो बोल रहा है कि मेरा 3 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग है, नहीं yes, बोल रहा है तुम ज्यादा रेट बढ़ाई ले, 2 लाख का है, ठीक है? हम उसको बोल दिए कि इतना एसेट तुम्हारा लेंगे, उसके बदले तुमको हम कितना देंगे? 2 लाख। 7 लाख। 7 लाख, सॉरी सर। ये कोई एक एसेट का प्राइस नहीं है, ये एज ए होल है, नहीं? तुम्हारे बॉक्स में, तुम लोग बॉक्स रखते थे ना बचपन में जी, पेन बॉक्स, है ना? यस सर। अब पेन बॉक्स को मैंने परचेज कर लिया 10 रुपया में, यस या नो? यस सर। अब उसके बाद उस बॉक्स को मैंने खोला, उससे एक पेन निकला, तो हम सोचे ओ ये 3 रुपया का पेन है, अच्छा अच्छा ये 1 रुपया का पेन है, ये पेंसिल है 50 पैसा का, समझ रहे हो? ये किसी इंडिविजुअल प्रोडक्ट का दाम नहीं है, इंडिविजुअल एसेट का दाम नहीं है, ये कंप्लीट एसेट और लायबिलिटी का। यस या नो? प्लांट कितना मका जी? सोचा प्लांट बेचारा कितना का है? 1,50,000 का। एसेट खाली यहाँ लिख रहे हैं अभी, और स्टॉक कितना का है? जगह कम है इसलिए कम लिख रहे हैं, कितना? 40,000, ठीक है? डेटर इसको कितना लगा जी? 1,10,000। फर्नीचर कितना लगा इसको? 2 लाख। 2 लाख का है, 2 लाख का था, 2 लाख इसको लगा कि सही इसका वैल्यू है टोटल। सर हाँ सर, ये तो समझ गया और समझो लिखे, लेकिन ये सर डेटर को ये कैसे डिटरमाइन कर सकता है? वो बता रहा 1,30,000 का है, तो ये अपने मन मान लेगा 1,10,000 का है। हमको पता चला कि इस डेटर में ने, डेटर कोई आदमी होगा जो पैसा देगा, इसको उधार में माल बेचा होगा, अभी पैसा नहीं दिया है। यस सर। उसमें पता चला कि एक आरझा नाम का आदमी है, डेटर है। यस सर। 30,000 रुपया यहाँ बाकी है। यस।
ये आदमी बहुत झोलझाल है, पैसा नहीं देता है जिसका लेता है, समझ गया? आ जा दिमाग लगाओ, आ गया समझ में? मतलब उसके अकॉर्डिंग हम सोचे, मतलब कि एको पहले प्रोविजन क्रिएट कर लिए सर, मतलब कि यही ना हुआ सर? यहाँ पर प्रोविजन रिविजन का जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैंने सोच लिया कि डेटर कितना का है, 1,10,000 का, 20,000 का बेकार डेटर है, झूठ मूठ लिखे हुए है, वो पैसा लेके लंदन चला गया, वो पैसा देगा अब? मतलब ये 20,000 रुपया नहीं आने वाला है सर, आया ना? समझो समझो आर्जा, हम प्रैक्टिकल लाइफ का चीज तुमको बता रहे हैं, ठीक है ना? मान लो कि कैसा डेटर है ना, जिसको हम माल बेचते थे, वो लंदन में जाके अब रह रहा है, घर द्वार छोड़ दिया है, वो पैसा देगा आपको? नहीं सर। 20,000 देने के लिए लंदन से आएगा? नहीं सर। हाँ, इस टोटल एसेट कितना का परचेज किया बताओ हमको? 2-4 लाख इधर हुआ ना, 4 लाख 5,50,000 हुआ, 5,90,000 7 लाख टोटल, गलत हो गया, रुक जाओ। फर्नीचर को भी 1,00,000 मानो, फर्नीचर को कितना माने? 1,00,000 फर्नीचर टोटल फुटल है, पुराना पलंग उलंग टेबल कुर्सी पुराना है, 1,00,000 तो कितना हुआ? 6 लाख का एसेट परचेज किया जी? यस सर। ऐसे ना, यस सर, एक चीज इसमें चेंज करते हैं, ठीक है ना? लैंड एंड बिल्डिंग का ही वैल्यू सोचा कि 5 लाख है, कितना वैल्यू? 5 लाख तो टोटल एसेट कितना हो जाएगा? 9 लाख हो जाएगा। कोई दिक्कत है? सब लोग बोलो सर, ये तो बढ़ा ही 3 लाख का था, ये बढ़ा ही दिया सर 5 लाख। हाँ, अब बोलो ना, बोलो ना भाई, आर्जा जो मन में आता है बोलो। तुम सर ये बढ़ा कैसे दिया? 3 लाख का बिल्डिंग वो शो कर रहा है, ये बढ़ा के 5 लाख दिखा रहा है। हमको लगा कि ये बिल्डिंग 5 लाख का है, वो पुराना जमाना में परचेज किया था, इसका रिवैल्यूएशन वैल्यूएशन नहीं किया है, वो जमीन का वैल्यू बहुत बढ़ गया है। ऐसे नो सर, ऐसे भी तो सोच सकते ना कि अचानक उस साइड रोड बन गया, तो अब रोड बन गया तो उस साइड का लैंड का दाम बढ़ गया। कुछ भी सोच सकते हो। फ्री अर्जा, मतलब कि हमको दिखना चाहिए ये ज्यादा का है जितना का है, समझ गए सर? हमको उसको लग रहा है कि 3,00,000 का है, और 3,00,000 लिख लिया बुक में, हमको लगता है कि ये 5 लाख से कम का नहीं है। ऐसे है ना? यस सर। आ रहा समझ में? यस सर। हाँ, ये सारा प्राइस अपने मन से तय होता है, ठीक है ना? कितना हो गया? 9 लाख का एसेट परचेज किया अपने मन से, नहीं एक वैल्यूएशन वाला करता रहता है, वो वैल्यूएशन करता है, ठीक है? ये 9 लाख रुपया हुआ, कैसे प्राइस तय हुआ इस पर तुम्हारा फोकस नहीं होना चाहिए, जो प्राइस तय हुआ है वो है, ठीक है? 9 लाख का एसेट परचेज किया ना जी, साथ में बोला ना कि सारा लायबिलिटी का भी पेमेंट हम ही कर देंगे, खाली एसेट थोड़ा परचेज किया, लायबिलिटी भी परचेज किया। Yes, you know? Yes, sir. Arja. Yes, sir. Yes, sir. Capital तो purchase नहीं करेगा ना? High capital? Capital हमको दिखाओ किधर है capital? हाँ. सर पहले सर हम dot clear कर दीजिए सर, ये capital क्या होता है सर? Basic. सर ये capital क्या होता है, पहले ये dot clear कर दीजिए सर। Business में जो businessman invest करता है उसको बोलते हैं capital. Business. तो सर हम हाँ. बोलो बोलो। हम मशीन को इन्वेस्ट कर दिए, मशीन मेरा कैपिटल है सर। सब एसेट है भाई, देखो मशीन एसेट है, ठीक है ना? लेकिन देखो देखो पहले कैपिटल किसको बोलते हैं, तुम्हारे पास कितना एसेट है पहले हमको ये बताओ। 9,00,000-10,00,000 का एसेट है, कैपिटल छोड़ दो, तुम्हारे पास लायबिलिटी कितना है? 6 लाख का। तुम्हारा कैपिटल हुआ 4 लाख, 4 लाख बिजनेस में तुम्हारा खुद का पैसा लगा हुआ है। समझ में? मतलब कि सर जो दोनों का डिफरेंस होता है एसेट सर लायबिलिटी का, वही कैपिटल होता है सर। अभी 2-4 मिनट तुम कुछ मत बोलो, ठीक है ना? तुम्हारा ही डाउट क्लियर कर रहे हैं, कुछ मत बोलो। हमने ये बिजनेस है ना, कैपिटल क्या होता है? सारे एसेट को मैं बेच दूंगा, मान लो 10 लाख में बेच दिए, सारे लायबिलिटी को मैं पेमेंट कर दूंगा 6 लाख का, मेरे पास कितना बच जाएगा? 4 लाख। वही चार
चार लाख कैपिटल इधर होगा तो चार लाख का एसेट ना इधर होगा जी, कैसे नो अर्जा सर सारी एसेट्स बेच देना, अगर चार लाख का मेरा कैपिटल है तो हम ये अज्यूम करेंगे चार लाख का मेरा कैश होगा एसेट्स में, यही ना सर? अरे भाई तुम नहीं, फिर से बोलते हैं उस इलस्ट्रेशन उस एग्जांपल को थोड़ा हम चेंज करते हैं, ठीक है? देखो अर्जा, देखो मैंने इस दो एसेट को छोड़ के सारा एसेट बेच दिया, इसको इसको लैंड एंड बिल्डिंग और कैश को छोड़ के सारा एसेट बेच दिया 6 लाख में, ऐसे नो? यस सर। और सारे एसेट बेच के मैंने सारे लायबिलिटी को पेमेंट कर दिया, समझ गए? अब बैलेंस शीट में तुम्हारा क्या दिखेगा? कैपिटल दिखेगा, लैंड और बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग और कैश दिखेगा, कैश, यस सर, ऐसे नो? यस सर। और अर्जा आप बोलो बैलेंस शीट में, अब तुम बोलोगे कि कैपिटल बराबर लैंड एंड बिल्डिंग प्लस कैश, वही सर, मतलब कैपिटल इक्वल टू वही हुआ ना फिर तो, कैपिटल पर अमाउंट तो इक्वल नहीं हुआ ना सर अभी, कैपिटल बराबर क्या हुआगा इस केस में, क्या होगा कैपिटल बराबर? लैंड एंड बिल्डिंग प्लस कैश, लैंड एंड बिल्डिंग प्लस कैश, यस एंड नो? यस। कैपिटल कितना हुआ? 4 लाख, इधर हुआ 3 लाख, प्लस आया ना? इससे पहले तुम क्या बोल रहा था कि कैपिटल बराबर कैश, तो खाली कैसे है यहाँ, लैंड एंड बिल्डिंग के जगह पर प्लांट एंड मशीनरी नहीं रह सकता है, स्टॉक नहीं रह सकता है, फर्नीचर नहीं रह सकता है, ऐसे नो? कैपिटल बराबर है कि खुद का कितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट है, तो वो बोलेगा कि जो 10 लाख का एसेट दिख रहा है ना तुमको, है ना? यस सर। 4 लाख का है, इसका अपना है, बाकी 6 लाख का लोन पर है, आउटसाइडर का है, कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर नहीं समझ के सर, और बैलेंस शीट बनाते हैं तो प्रॉफिट भी तो सर कैपिटल में ऐड करते हैं। हाँ, तो कैपिटल में प्रॉफिट ऐड किया हुआ है, ये जो 4 लाख है ना तुम लोग कैपिटल, यस सर, आफ्टर ऐड प्रॉफिट ऐड करने के बाद है। बाय द वे सर, प्रॉफिट जो मेरा सर, प्रॉफिट जो मेरा मतलब कि होता है तो इक्विवेलेंट, मतलब कैसे कि इक्विवेलेंट होता है ना, मतलब जो मेरा अर्निंग हुआ तो कैसे कि इक्विवेलेंट होता है ना सर मेरा? कैश में बाकी चीज भी तो होती है, पुरानी वाली कैश भी हो सकती है। कौन बोला तुमको कि प्रॉफिट कैश के इक्विवेलेंट होता है? कहां कहां से तुम सर, हमको जो दिख रहा है सर, हम सिंपल लॉजिक लगा रहे हैं, जो 5 रुपया की चीज हम 7 रुपया में बेच दिए, तो 2 रुपया तो मेरा प्रॉफिट कैसे आया ना, हम ऐसे सोच रहे हैं सर। हम बोल रहे हैं कि उधार में माल बेचे तो कैश तो 1 रुपया नहीं आया। नहीं सर, तब तो नहीं, लेकिन तब उधार में बेचे तब भी तो सर हम दिखाते हैं उसको प्रॉफिट में ऐड करते हैं सर कैपिटल में। ये ना बोले था, डेटर में दिखेगा, 7 रुपया का डेटर दिखेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जितना भी डाउट है पूछो, लेकिन सही डायरेक्ट कैश, यहाँ पर कैश का कोई लेना देना नहीं ना है। हाँ, तो कैश में बार बार क्यों जाते हो? हुआ कुछ क्लियर? हमको लगा था दोनों एक ही टर्म है कैश, मतलब कि आप बताए नहीं थे सर, जो कैपिटल कोई थोड़े खरीद सकता है, आप बताए थे जो 7 लाख का 10 लाख का एसेट है, 6 लाख का लायबिलिटी है। हाँ। तो कोई जो परचेज करता है तो उसका लायबिलिटी परचेज करता है और एसेट परचेज करता है, कैपिटल तो परचेज नहीं करता है। हाँ। तो हमको लगा जो शायद कैश इक्विवेलेंट होगा कैपिटल के, मतलब कैश तो भी हम इनका परचेज नहीं कर सकते। नहीं नहीं सुनो, इसीलिए हम सुनो पहले, 7 लाख कौन दे रहा है? बिजनेसमैन दे रहा है ना इसको, बिजनेस आर प्रकाश इंटरप्राइजेस को। पहले सुनो, पहले हमको बताओ अर्जा, 7 लाख रुपया तुमको मिल रहा है ना, तुम मान लो तुम ही प्रकाश इंटरप्राइजेज हो, तुमको 7 लाख रुपया मिल रहा है ना? यस सर। इसलिए मिल रहा है कैपिटल के लिए, ऐसे नो? यस सर। ये 7 लाख तो इसलिए मिले ना क्योंकि मैंने अपने एसेट और लायबिलिटी दोनों आपको बेच दिया। एसेट और लायबिलिटी बेच दिया, ठीक है, लेकिन आपको ही पैसा क्यों मिला, किसी थर्ड पार्टी को क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो बिजनेस का ओनर, हम ओनर खुद है, इसीलिए हमको मिला। अच्छा बोले, 2-4 मिनट चुप रहो अब तुम, फिर बीच में बोल देना। सुनो रिया, यस सर,
7 लाख रुपए आपको क्यों मिला जी? आप बिजनेस के ओनर हैं, बिजनेस के ओनर कैसे हैं जी? आपने पैसा लगाया, पैसा मत लगाया, मतलब कि आपने कैपिटल लगाया, तो उस कैपिटल के बदले में आपको 7 लाख मिल रहा है, ऐसे नो? ओके सर। हाँ या ना? यस सर। सिंपल आर्जा। यस सर, लेकिन आप बता रहे हैं जो मेरे कैपिटल के बदले मिल रहा है, तो मेरे जो कैपिटल उसका एक्स्ट्रा मतलब भी तो है सर, एसेट्स और भी एसेट्स भी तो है सर। कैपिटल कुछ देखो इधर, इधर देखो, ये जो तुम्हारा कैपिटल है ये सुनो, ये किस में होगा? इसी एसेट में होगा जी। यस सर। मान लो कि 5 लाख रुपया तुमने बिजनेस में लगाया, ऐसे नो कैश में। यस सर। उस 5 लाख में से तुमने क्या किया? 1 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किया, 1 लाख का प्लांट, 1 लाख का स्टॉक, 1 लाख का डेब्टर, 1 लाख का कैश। तो कैपिटल, अब तुम क्या बोलोगे कि कैपिटल बराबर, देखो इधर, उसको भी करेंगे, इसको भी, एक नया चीज बता रहे हैं, बीच में तुम ऐसा क्वेश्चन कर देता है। कैपिटल कितना तुम लगाया बिजनेस में? 5 लाख है ना? और 5 लाख का क्या क्या किया? 5 लाख में तो लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किया 1 लाख का, यहाँ लिख देते हैं कितना का, 1 लाख का, ठीक है ना? स्टॉक परचेज किया कितना, 70,000 का, ठीक है? प्लांट परचेज किया 2 लाख का, कैश कितना है तुम्हारे पास? 30,000। टोटल जोड़ के 5 लाख होना चाहिए, बताओ कितना है? 1,30,000। 1,30,000। कुछ समझ में आया? कैपिटल किसको बोलते हैं? खुद का जो इन्वेस्टमेंट होता है सर, वही कैपिटल में यही ना है जी। जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं वो पैसा अलग अलग फॉर्म में रहता है। 5 लाख कहाँ कहाँ चल गया? लैंड एंड बिल्डिंग में चला गया, स्टॉक में चला गया, प्लांट एंड मशीनरी में चला गया, और कैश में चला गया। यस सर। दिमाग खुल रहा है कुछ? यस सर। हाँ या ना? यस सर। रिया समझ रहे हो चीज जी? यस सर। अब इस पर आए अर्जा? यस सर। कि अभी भी डाउट है? यस सर, वो कैसे क्लियर? कहाँ बैठे हो भाई? एक बार और कुछ नहीं दिख रहा है। कहाँ बैठे हो? तुम्हारा आवाज 5 इंस्टॉलमेंट में आ रहा है। हेलो। हाँ बोलो सर। कैपिटल मतलब कि जो मेरे लायबिलिटी साइड में होता है, तो कैपिटल के एज वेल एज मतलब कि मेरा जो आउटस्टैंडिंग पेवल होता है यहाँ पर, उसको भी सर हम लिखते हैं ना? यहाँ पर कैपिटल बराबर एक और फॉर्मूला होता है, वो देखो। कैपिटल बराबर होता है नेट एसेट, नेट एसेट। कैपिटल बराबर होता है इंटरनल लायबिलिटी, या फिर क्या ऑर्डर करना है, समझ गए? यस सर। बिजनेस में जो तुम्हारा है उसको बोलते हैं कैपिटल, बिजनेसमैन का जो है। चलें आगे। यस सर। एक बात और पूछनी थी सर ना। क्या बोलो? सपोज डेट मेरा लायबिलिटी और लायबिलिटी एक्सटर्नल लायबिलिटी जो है, बैंक लोन 2 लाख का है सर। इसमें? हाँ सर, इसी में। हाँ, बैंक लोन 2 लाख का है, तो मेरा एसेट्स भी तो फिर इंक्रीज कर गया सर। बैंक लोन 2 लाख का होगा? यस सर। तो कैश तो तुम्हारा 1,30,000 है। यस सर, वो बढ़ेगा 2 लाख, 30,000 हो जाएगा। तो सर हम ये बोल सकते हैं मतलब कि ये जो एक्स्ट्रा एसेट्स है कैश 2 लाख, वो मेरा नहीं है खुद का, वो एक्सटर्नल है सर। को तो खुद का जो है वो 5 लाख ही है। तो बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी, यही तो हुआ एक्सटर्नल लायबिलिटी। यस सर। को तो बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी, ये हुआ तुम्हारा अपना बिजनेस सर। तो 5 लाख की सर, 5 लाख के अतिरिक्त जितना भी एक्सटर्नल लायबिलिटी है, सपोज दैट मेरा 10 लाख और एक्सटर्नल लायबिलिटी है, तो मेरा जो एसेट्स भी होगा वो नेट एसेट्स 5 लाख और जो एसेट्स होगा वो लायबिलिटी भी होगा। सही जगह पर जाओ, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा सही से। हेलो। हाँ फिर से बोलो। हेलो। तुम्हारा सर मान के चलिए जा रही सर आवाज क्या? हाँ बोलो सर। सपोज डेट मेरा कैपिटल 5 लाख है, मेरा एक्सटर्नल लायबिलिटी 10 लाख है सर, टोटल मेरा 15 लाख है, तो हम बोल सकते हैं जो मेरा खुद का जो रुपया है मतलब कि 5 लाख रुपया कैपिटल है,
और मेरा एसेट्स भी खुद का खुद 5 लाख का है, वो 10 लाख का जो एसेट्स है वो मतलब कि हम एक्सटर्नल कैपिटल सुनो मतलब मैनेज किए सर। गलत बोल रहे हो, सोच सीख ठीक है लेकिन बोल रहे हो गलत। टोटल एसेट तुम्हारा कितना है? 15 लाख का होगा उस केस में। उसमें से 10 लाख लायबिलिटी है, तो 10 लाख लायबिलिटी चुकाने में 10 लाख का एसेट चला जाएगा। हाँ या ना? तो तुम कि नेट एसेट तुम्हारा कितना है, तो बोलना कि नेट एसेट मेरा 5 लाख है। सर यही बात हम भी बोल रहे थे समझे, लेकिन गलत यस सर गलत तरीका में हम बोल रहे थे सर। कोई बात नहीं, समझ आ रहा है? यस सर। तुमको तो आ रहा है, इसको पहले बोलने दो। यस सर यस सर यस सर अब आ रहा है, मतलब कि अब सही कॉन्सेप्ट पकड़ लिए हैं जो होता है सर। समझ गए कोच? यस सर। हाँ ना, चलो देखो इधर चलें। यस सर यस सर। इस पर आते हैं, 9 लाख का एसेट परचेस किए हैं जी और 6 लाख का लायबिलिटी, ठीक है? कोई दिक्कत है? सारा लायबिलिटी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 लाख। यस सर। सर हाँ, लायबिलिटी का वो खुद से वैल्यूएशन नहीं किया जो परचेज कर रहा है? हम ये मान लिए कि जो वैल्यू लिखा हुआ है ना सब वैल्यू सही है, इसमें ऊपर नीचे करने का जरूरत नहीं है। इसको कर सकते हैं, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, इतना कर सकते हैं, ठीक है जी? ओके सर। सारी लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन कर सकते हैं, उसका अमाउंट बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, इसमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है सर? कोई डाउट है? नो सर। चलो आप बताओ, उस सोचेगा ना बैठ के बिजनेस जो परचेज करने वाला, हम ही परचेज कर रहे हैं प्रकाश इंटरप्राइजेस को, हम ही परचेज, हम सोचेंगे ना कि कितना का एसेट परचेज किए, नेट एसेट कितना का परचेज किए थी, हम बोलेंगे ना कि 3 लाख परचेज किए। यस या नो? यस सर। आपने 3 लाख का एसेट परचेज किया, कितना में परचेज किया सर? 7 लाख में। यहाँ से आरझा बोलेगा कि सर आपने 9 लाख का एसेट परचेज किया, हमको दिख रहा है कितना का एसेट, 9 लाख, 3 लाख का। आरजा यस सर यस सर। तुम बोलेगा टोटल एसेट कितना है मेरा तो परचेज की, 9 लाख। 9 लाख वैल्यूएशन के बाद। हाँ, उसका वो तो 2 लाख 3 लाख लिखा हुआ है बैलेंस शीट में, वो तो उसका वैल्यूएशन है। हम अपने हिसाब से नहीं, तुम बोल दोगे कि सर जानते हैं ये आपका जो ये पावर बैंक है ना, हम अपने इसको लिखे हुए हैं 50,000 रुपया, अब तुमको जब बेचेंगे तुम परचेज करोगे तो तुम सोचोगे ना कितना का ही पावर बैंक है, तो तुम वैल्यूएशन इसका किए कि 2,000, 1,000 का पावर बैंक है। आया ना? मेरे भरोसे से तुमको क्या मतलब है? पैसे तो मुझे ही देने पड़ेंगे। मेरे बैग को ही परचेज कर लिया, मेरा बैग है ना इसको आपने परचेज कर लिया, इस बैग में लैपटॉप भी है, ये सब भी है। बैग को कितना में परचेज किया, तो आपने 40,000 में बैग को परचेज किया, तो उसमें सारा एसेट जो मिलेगा सबका वैल्यूएशन करोगे ना आप जी? हाँ, तो उसमें पावर बैंक मिला, पावर बैंक को हम लिखे हुए हैं 50,000, तुम बोले कि 1,000 में रोड पर मिल रहा है, कैसे 50,000? यस या नो? यस सर। टोटल एसेट कितना का परचेज किया? 9 लाख। टोटल लायबिलिटी कितना का? टोटल लायबिलिटी 6 लाख। 6 लाख लायबिलिटी परचेज किया, मतलब क्या? अब लायबिलिटी को पेमेंट प्रकाश इंटरप्राइजेज नहीं करेगा, जो परचेज किया है वो करेगा। यस सर। कितना का नेट एसेट परचेज किया भाई? 3 लाख का। 3 लाख नेट एसेट, समझ गए ना? यस सर। 3 लाख का। आरजा यस सर, मतलब कैपिटल उनका 3,50,000 हुआ सर। फिर कैपिटल कैसे तुम बोल रहा है इसको? और 3 लाख मतलब कि सॉरी टोटल एसेट, टोटल मतलब लायबिलिटी के बाद सर आप ही बताए थे ना टोटल एक्चुअल एसेट कितना मुझे बिलोंग कर रहा है इसमें पैसा खर्च करने के बाद। ये तो सिर्फ परचेज सेल का बात कर रहे हैं। यस सर। यस सर। यस सर। हमको ये बताओ कि टोटल एसेट कितना का परचेज किए? 3 लाख का नेट एसेट कितना? yes, का तुम कितना का सामान परचेज किए? 8 लाख का। यस सर। बोलो जोर से। हेलो। हाँ जोर से। हेलो। हाँ, कहाँ बैठ के क्लास करते हो जी? हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर बताइए सर, आवाज नहीं आ रही थी सर, बताइए क्या बोल रहे थे सर? कितना का एसेट परचेज किया बताओ? 3 लाख का सर। समझ गया कैसे?
हम सोच रहे हैं कि 6 लाख का जो लायबिलिटी है ना, इसको पेमेंट करने में मेरा तो 6 लाख का एसेट सेल हो जाएगा। नेट कितना का एसेट परचेज किए? 3 लाख का। 3 लाख का इतना में परचेज किए? परचेज कंसिडरेशन 7 लाख। ऐसे नो आ रहा समझ में? अर्जा यस सर। मतलब ये क्या सर लिखे? परचेज कंसिडरेशन। खाली तुम समझो ना इसका मतलब, तुम मत समझो। 7 लाख में परचेज किया ना तुम? यस सर। कितना का एसेट? 3 लाख का नेट एसेट। 4 लाख का लॉस हुआ ना? यस सर। है ना, तुम प्रोफेशनल आदमी है, थोड़ा होशियार है। तुम बोले कि लॉस नहीं है, गुडविल। जीवन भर याद रहेगा? यस सर। तुम बोलोगे कि जानते हैं क्या होता है सर? देखो ना, गुडविल का नाम नहीं सुना आज के पहले? सर सुने हैं सर। गुडविल नहीं जानते हो क्या होता है? वही सर, मतलब कि बिजनेस का जो फेमस होता है ना, तो उसका कुछ वैल्यूएशन एस्टीमेशन। वैल्यूएशन नहीं, नेम एंड फेम। रिपुटेशन को बोलते हैं गुडविल, ठीक है ना? यस सर। ब्रांड, जो ब्रांड का वैल्यू होता है ना, उसको बोलते हैं गुडविल। मेरा जो मार्केट में मेरा रिस्पेक्ट है, मेरा सब जो लोग जानता है कि सर बहुत ईमानदार है, ये मेरा गुडविल है। अरे समझ में? तो बिजनेस का क्या होगा गुडविल? देखते नहीं हो कि गांव में बहुत ऐसा लोग रहता है, कस्टमर उसके आए पिएगा तो उसी दुकान पर जाके पिएगा, साबुन लाएगा, सर्फ लाएगा, या जूता परचेज करेगा तो उसी दुकान से परचेज करेगा। वो क्या है? दुकान का गुडविल है। उचार समझ में? अब तुमको, तुम्हारा क्या है? तुम्हारे तुमको कोई दिमाग में तुम्हारा फिट है ना कि ये जो टाटा का घर, ये रोलेक्स का जो वॉच होता है ना, बहुत फेमस, बहुत एकदम बेहतरीन होता है ना, बहुत अच्छा होता है, वो क्या है उसका? यस सर। ब्रांड वैल्यू का गुडविल है ना जी? यस सर। आ रहा समझ में? गुडविल हिंदी में बोलते हैं, ठेठ हिंदी में बोलते हैं ख्याति, हम बोलते हैं इज्जत। इसको इज्जत का क्या वैल्यू है, ठीक है ना? पटना में, पटना में रहे हो? एक पटना में है समोसा का दुकान सरदार जी का, इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स नहीं, डाक बंगला के बगल में, ठीक है? समोसा देता है 2 रुपया में। जब पटना में हम आए थे ना, तो सब जगह समोसा था 2 रुपया, वो देता था 6 रुपया में। आज सब जगह 10 रुपया तक, 12 रुपया तक मिल जाता है। वो कितना में देता है? अभी देता है करेंट में 18 रुपया। जाओगे ना तो ना बैठने का जगह है, ना खाने का जगह है, कुछ नहीं, फिर भी तुमको 40 आदमी मिल जाएगा। हम ये 20 साल से देख रहे हैं। तो समझ में आया? मतलब उनका गुडविल अच्छा है सर, जगह का गुडविल है, सरदार का नहीं। कोई सरदार उदार को नहीं देखता, मालिक बदल जाता है तो थोड़े, उस जगह में बहुत अच्छा समोसा मिलता है, बस यही। तुमको है ना पता कि बाकरगंज में सब सामान मिल जाता है, ये सब खाने, ये हल्दी, तेल, नमक, मिर्च, किराना का सर, या किराना का, या बाकरगंज में सब ये सब बुक, ये इलेक्ट्रॉनिक कोई भी आइटम मिल जाता है, चाइनीज चीज, हाँ चाइनीज, हाँ सारा डुप्लीकेट का हो किसी चीज का। अच्छा यस सर। तुम जाओगे तो तुम्हारा डुप्लीकेट भी मिल जाएगा। यस सर। बात है, सुनो अब, तो बाकरगंज का वो क्या है? तुम वहां पर किसी दुकानदार को जानते हो क्या? नहीं, बाकरगंज का गुडविल है सर, दुकानदार से पर्सनल कांटेक्ट है, उसके चलते तुम कहने, उस प्लेस का गुडविल है कि वो ऐसा प्लेस है कि यहाँ पर ये सब चीज मिल जाता है। लेकिन तो सर टाटा का तो गुडविल है सर, जो भी रतन टाटा, पहले एक खाली प्लेस का गुडविल है, वो प्लेस का गुडविल है, पहले समझो पहले। हाँ या ना, ऐसे ना, एक होता है इंसान का गुडविल, बिजनेसमैन का गुडविल। ये आदमी अगर कोई प्रोडक्ट बना रहा है ना, बहुत हाई लेवल का, बहुत अच्छा क्वालिटी होगा। जैसे टाटा, टाटा टी, टाटा सॉल्ट, टाटा टाटा मोटर्स, टाटा का फोर व्हीलर आता है, टाटा का ट्रक आता है ना, ट्रैक्टर, सॉफ्टवेयर भी है सर, टीसीएस। अब सोचो कि टीसीएस में जॉब लगता था, क्यों तुम जानते हो? नहीं, वो कंपनी का ऐसा, वो कंपनी का ऐसा गुडविल है। अरे समझ में? झूठ मुठ बोल दिया, जानते हो क्या कि 7 लाख में, 3 लाख का चीज 7 लाख में परचेज किया? नहीं जानते हो तुम, 4 लाख उसका गुडविल के लिए पेमेंट किया है।
समझ रहे हो कि नहीं तुम? आ रही है ना? तो सर ये गुडविल को लॉस माने इस केस में 4 लाख? अपने मन में हमेशा सोच के रखना कि एक्चुअल में ही लॉस ही है, एक्चुअल में ही ज्यादातर केस में लॉस ही होता है, समझ गए? तो खुद स्मार्ट दिखाने के लिए, आ रहा समझ में? हम जो बोल रहे हैं वो लकीर है, समझ गया ना? पत्थर जो बोल रहे हैं अपना दिमाग में फिट करना कि सर, लेकिन लॉस होने के बावजूद हम इनको एसेट साइड में क्यों दिखाते हैं सर? कि एकाएक लॉस दिखाओगे तो जिस ईयर में परचेज किए उसने पूरा फ्लॉट ने तुम्हारा प्रॉफिट डाउन हो जाएगा जी। और दूसरा ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, हम नहीं बोल रहे हैं अमलगम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ना, अकाउंटिंग। अब मान लो सुनो, तुम एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि नहीं, कोई एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि नहीं घर में? yes, तुम हो तो तुम्हारे घर में कोई लॉ है कि नहीं है? yes, sir. अब तुम कहोगे कि हम 12 बजे रात के सो के उठेंगे, अब 12 बजे रात को नहा के स्नान करेंगे, खाएंगे पिएंगे ढोल बजाएंगे, तुम्हारा ये पॉलिसी है। तुम्हारा भाई कहता है कि अब हम 3 बजे सुबह उठेंगे, 3 बजे मतलब सुबह वाला, और उस समय हम डीजे चलाएंगे, हाँ या ना? तो तुम्हारी तुम्हारी माँ बोलती है, हमारी माता जी बोलती है कि वो अब 12 बजे 1 बजे रात को चाय पिलाएगी सबको, सब सोया हुआ है घर में, सबको चाय पी लीजिए, चाय पी लीजिए। अब तुमको लगे आखिर नहीं कि एकदम अस्त व्यस्त हो गया जीवन? यस सर। कोई किसी का कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। होना चाहिए ना बिजनेस में भी? यस सर। अब मान लो कि तुम जैसे बोल रहे हो ना कि सर ये लॉस है, इसको मैं पीएल, लॉस मतलब क्या, मैं पीएल अकाउंट में ले जाऊंगा इसको? एक बोले दूसरा आदमी की ये गुडविल है, एसेट है, मैं इसको बैलेंस शीट में ले जाऊंगा। एक तीसरा उधर से आएगा, बोलेगा कि नहीं थोड़ा लॉस है थोड़ा गुडविल है, 4 का 4 लाख लॉस नहीं, 1 लाख गुडविल है 1 लाख लॉस है, ऐसे नो? अलग ओपिनियन देगा जी। हाँ सर। उसके लिए हार्ड एंड फास्ट एक रूल होना चाहिए। यस सर। रोड में चलने के लिए रूल है ना कि इधर लेफ्ट इधर राइट। यस सर। ये रूल ना होता तो कोई लेफ्ट चलता कोई राइट चलता, कोई बीच रोड पर चलेगा। आप बोले कि नींद आ रहा है रोड पर सोएंगे, हाँ या ना? यस सर। उसमें अभी तुम बोलोगे कि सर रोड तो वहाँ पर पूरा अच्छा है, हमको नींद आ रहा था, हम सो नहीं सकते हैं सर, सोने का बहुत अच्छा जगह है। या सोचो तो उसके लिए लॉ बना हुआ है ना कि रोड किस लिए है, तो इसलिए अकाउंट में भी एक लॉ बना हुआ है। अमलगमेशन का, ठीक है ना? पहले था अमलगमेशन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड S14-14, ठीक है? उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपने अमाउंट से ज्यादा पेड कर दिया ना तो वो क्या हो जाएगा, गुडविल। तुमको हम ठेठ में बता दिए ना गुडविल बराबर क्या है यहाँ, लॉस। लॉस जीवन भर याद रखना मेरा बात, ठीक है ना? 100 महीने अब लॉस क्या होगा, गुडविल धीरे धीरे पीएल अकाउंट में जाके खत्म होगा। आ रहा समझ में? 1 to 10 में कितने बच्चे हैं आर्जा? यस सर। 4 लाख है ना? इसको 5 साल में हम राइट ऑफ कर लेंगे, धीरे धीरे पीएल अकाउंट में राइट ऑफ कर देंगे। कुछ आ रहा समझ में सर? अमोर्टाइजेशन के नाम पे? यस 100% करेक्ट। ठीक के नाम पे सर? रुको पहले, टेंजेबल एसेट को जो डिप्रिसिएट होता है ना उसको बोलते हैं डिप्रिसिएशन। ये मेरा टेंजेबल एसेट है, ये तो मानते हो मेरा पावर? यस सर। जीवन भर के लिए है, 2-4 हजार साल से बाल बच्चा भी इसको देखेगा, उसका भी देखेगा, नहीं इसका लिमिटेड लाइफ है। डिप्रिसिएट करेगा ना, 2000 में परचेज किए होंगे तो 4 साल में डिप्रिसिएट हो जाएगा। यस सर होगा। ये जो डिप्रिसिएट होता है ना इसको बोलते हैं डिप्रिसिएशन। टेंजेबल एसेट कोई भी डिप्रिसिएट होता है, लैपटॉप डिप्रिसिएट होगा, बिल्डिंग डिप्रिसिएट होगा, प्लांट डिप्रिसिएट होगा, मशीन डिप्रिसिएट होगा, इसको बोलते हैं डिप्रिसिएशन। कौन गाना बजा रहा है? हाँ या ना? रिया बता, आर्जा के घर में? यस सर। और इंटेंजेबल एसेट जो डिप्रिसिएट होता है उसको बोलते हैं एमोर्टाइजेशन, ठीक है ना? तो ये गुडविल 4 साल 5 साल में धीरे 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 करके राइट ऑफ कर देगा। धीरे धीरे लॉस को एक ही बार पीएल अकाउंट में नहीं ले गए, थोड़ा थोड़ा पीएल अकाउंट में ले गए। पहला साल ले जाएंगे कुछ, दूसरा साल कुछ और ले जाएंगे, तीसरा साल कुछ और, 4 साल लेके 4 साल के बाद इसको खत्म कर देंगे। लेकिन सर ऐसा क्यों करते हैं सर, एक बार ही क्यों नहीं दिखा देते हैं जो 4 साल? हाँ बोलो
सर जैसे कि डिप्रिसिएशन के साथ करते हैं, कोई जिस एसेट पे डिप्रिसिएशन लगता है उसके वैल्यू को माइनस करते करते बैलेंस शीट में शो करते हैं, तो गुडविल के साथ भी ऐसा ही होगा एकदम अमोर्टाइजेशन। ये 100% खाली मानो कि तुम क्या सोच रहे हो, ये एसेट है 4 लाख का, धीरे धीरे खत्म होगा ये पीएल अकाउंट में जाके। पहला साल क्या एंट्री होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, एक मान लो राइट ऑफ कर दिए, तब गुडविल 4 लाख से 3 लाख का हो जाएगा ना। यस सर। बैलेंस शीट में गुडविल कितना दिखेगा, 3 लाख। सर प्रॉफिट एंड लॉस में गुडविल लिखेंगे कि अमोर्टाइजेशन लिखेंगे? अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल लिख देना, प्रॉफिट ऑफ लॉस में लिखते हैं ना, लेकिन हम लोग कैसे दिखाते हैं, डिप्रिसिएशन ऑन, फिर हम लिखते हैं प्लांट एंड मशीनरी, ऑफिस बिल्डिंग, ठीक है ना, फर्नीचर, कंप्यूटर। अमोर्टाइजेशन किसका, अमोर्टाइजेशन गुडविल का, गुडविल का। सर हां सर एक बार अमोर्टाइजेशन और बताइए ना, जो होता है ना उसको जब हम लोग राइट ऑफ करते हैं, धीरे धीरे उसको खत्म करते हैं, डिप्रिसिएट करते हैं, तो उसको बोलते हैं डिप्रिसिएशन। पहले समझ लो, आया ना ये तो तुमको दिख रहा है, ये yes, तो जो इसका जो वैल्यू धीरे धीरे घट रहा है ना, इसको बोलते हैं डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग टर्म, आया ना। लेकिन मेरा एक इज्जत yes, है, मेरा एक मार्केट में रिपुटेशन है, जिसको हम लोग बिजनेस के टर्म में क्या बोलते हैं, गुडविल। तुमको लग रहा है कि सर का जो गुडविल है ना, 3 से 4 साल और सर को बेनिफिट देने जा रहा है, 5वां साल से सर का गुडविल रिपोर्टेशन एकदम, इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, मॉनेटरी टर्म में कोई वैल्यू नहीं रहेगा रिपोर्टेशन का। जैसे देखते हो जी कि कभी कभी कोई प्लेयर आता है, या कभी कभी इसका एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है एक्ट्रेस पर, साल में जो एक्ट्रेस रहती है उसका मार्केट में बहुत डिमांड रहता है, रहता है ना, एक बार उसका पर जो भी बड़ा बड़ा ब्रांड वाला, बड़ा बड़ा कंपनी वाला उस पर जो पैसा लगाता है ना एडवर्टाइजमेंट पर, वो 5 साल के गैप के लिए लगाता है, 5-6 साल के लिए। वो जानता है कि एक बार ये जहां मैरिज या एंगेजमेंट भी इसका हो गया, नहीं उसका देखना कभी जीवन में। फिर से एग्जांपल कर दीजिए ना सर, नहीं समझे, कहा नहीं समझा, किस पे एग्जाम्पल दे रहे थे सर, वो नहीं सुन पाए थे, उसके आगे तो सुन लिए थे सर। बोले कि फिल्म देखते हो, कोई नया एक्ट्रेस आती है तो उसके बारे में जानते हो, उस पर जो पैसा लगाता है एडवर्टाइजमेंट वाला, क्यों 4 साल 5 साल के लिए उससे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, देखते नहीं जी, बहुत फेमस होने के बाद भी, पहला मूवी आया उसका बहुत हिट हो गया, बहुत उसका नाम हो रहा है, एकदम इंडिया की सबसे टॉप दिखने वाली एक्ट्रेस है, बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। लेकिन जैसे ही उसका एंगेजमेंट एक बार हो गया, शादी हो गया, उसका मार्केट वैल्यू तो फ्लैट हो जाता है, नहीं नहीं देखे हो जी, यस सर, आप सोच जाते हैं। हाँ तो बिजनेसमैन क्या सोच रहा है कि इसका जो रिपुटेशन है ना 3-4 साल 5 साल का है ना, विराट कोहली को देखे होगे आज से 5 साल पहले इसका, 4 साल पहले इसका क्या ब्रांड वैल्यू होगा, यस सर बहुत था, अभी ब्रांड वैल्यू कितना होगा, अभी बहुत है, पहले से ज्यादा, पहले से ज्यादा है ना, ये कम हो रहा है मुझे लग रहा है, मतलब कि सर वो कैप्टनशिप छोड़ दिया है सर, लेकिन वही तो पहले से ज्यादा कैप्टनशिप छोड़ने से, अरे सर 2021 का ना सबसे ज्यादा सर्च किया हुआ एथलीट है, उससे क्या रोनाल्डो के बाद, अरे भाई हम भी पूरा जानते हैं सिस्टम, ठीक है ना, खाली यहाँ पर बैठ के लेक्चर नहीं देते हैं, मतलब कि हम बोल सकते हैं सर अभी जो रवि किशन गया है इसका ज्यादा है अभी उनसे। देखो इसका ये क्या लगता है तुमको कि जीवन भर के लिए इसका रहेगा, छोड़ो इसको छोड़ो, आज से 5-8 साल पहले धोनी का क्या मार्केट वैल्यू था, यस सर, अभी yes, sir, yes. अभी क्या है सर, सचिन का सर, सचिन का, सचिन से बेटर एग्जांपल होगा, अच्छा अभी क्या है उसका, अभी कम है सर, सचिन तेंदुलकर कंपेयर में बहुत कम गया है जी, यस सर, पहले बहुत ज्यादा था, पहले तो समझ रहे हो 12-11-12 में छू रहा था उसका मार्केट वैल्यू, हम लोग के लिए तो बहुत ऊपर रहेगा, लेकिन उस ऊंचाई से कहाँ तक पहुँच गया, तो उसका एक लाइफ साइकिल होता है, ठीक है ना, एक पीरियड होता है, तो उसी चलते ही गुडविल का सोचा ना कि 4-5 साल इसका रेपुटेशन का वैल्यू है। कोचिंग देखते हो, नया प्राइवेट कोचिंग कोई चलाता है तो नॉर्मली 4-5 साल एकदम बूम पर रहता है ना एकदम, उसके बाद धीरे 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 कर्व देखते हो खत्म, नहीं
गुडविल वाला समझ में आया कि क्यों 4 साल 5 साल में राइट ऑफ करते हैं, और ये हम नहीं बोल रहे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये लिखा हुआ है। यस या नो? यस सर। और जा समझ में आया कुछ? यस 14। यस सर। यस नो? अब उसको नया आ गया है, IFRS आ गया है, वो बाद में बताएंगे। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, IFRS, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियस, उस नाम में थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन, इंडियस इंडिया में अगर अप्लाई हो गया वही होता है। सीधे समझो ना, पहले समझ लेना, उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ नहीं होता है, अब वो सब हमारे कंफ्यूजन को आना चाहिए। एक लाइन और इसमें बोल देते हैं, ठीक है अर्जा, तुम्हारे डाउट को बोले। यही यस सर बोलिए। इसको 1 लाख में अगर परचेज करता तो 2 लाख क्या आता जानते हो? 2 लाख जो आता है, 2 लाख प्रॉफिट हो गया ना, रिजर्व सरप्लस, कैपिटल रिजर्व को जा रहा है ब्लड में, कैपिटल प्रॉफिट इसको बोलो। आ रहा समझ में? कैपिटल रिजर्व हो, कैपिटल प्रॉफिट हो, जो तुम्हारे डे टू डे एक्टिविटी से जो आपको प्रॉफिट जनरेट हुआ है ना, उसको कैपिटल प्रॉफिट नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिवेन्यू प्रॉफिट। लेकिन जो आपको ओकेजनल, ठीक है ना, कोई स्पेशल कोई ऐसा एक्टिविटी हो गया जिसके चलते आपको वो प्रॉफिट जनरेट हो गया, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। को समझ में आ रहा है? सर 50 लाख का सर चोरी कर लिए तो भी तो हुआ ना सर। हाँ, तो कैपिटल। लेकिन अगर तुम चोरे है, तुम्हारा काम ही यही है, तो रिवेन्यू प्रॉफिट हो जाएगा। डेली चोरी करता है? नहीं सर, मान के चलिए चोरी नहीं करते हैं सर, अचानक कर लिए सर। हाँ, अचानक कर लिया, तेरा कैपिटल हो जाएगा 100%। अब मान लो कि तुम हमको एक मर्सिडीज आया उधर से ऑफलाइन में एक गिफ्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा मेरे लिए? अकाउंट प्रॉफिट हो जाएगा, कैपिटल प्रॉफिट। ऐसे नो? ओके सर। कुछ जा रहा दिमाग में? लेकिन लेकिन तुम कोचिंग, तुम्हारा बिजनेस ही है कोचिंग पढ़ाना, ठीक है, और उस कोचिंग पढ़ाने से तुम प्रॉफिट कमा रहा है, तो ये क्या तुम्हारा होगा? रिवेन्यू प्रॉफिट, ये फ्री प्रॉफिट, रिवेन्यू मतलब डेली पर्पस पे होगा सर। ऑपरेशन, जो तुम्हारे ऑपरेशन से हो रहा है, जो तुम्हारा मेजर एक्टिविटी है, उससे जो प्रॉफिट होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसको बोलते हैं हम लोग। आगे जाओगे तो धीरे धीरे सब दिखते रहेगा। कुछ समझ में आया आज का क्लास? यस सर, टोटली समझ में आ गया था सर। सर आज भी एडजस्टमेंट एंट्री नहीं करवाया आपने? एकदम 100% करा दे। अब बोलो क्या करें, तुम्हारा यही ग्रुप में है अर्जा, नहीं तो फिर बोलता कि सर आज भी नहीं करा, 3 दिन। अब बोलता है तो एकदम ऐसे बोलता है कि जैसे सर नहीं पढ़ा रहे हैं आप, सर 4 दिन से GST नहीं। सर लास्ट टाइम का भी बोले थे आपको उसका एडजस्टमेंट करा देना, तो लास्ट टाइम भी इसका कोई चिंता नहीं करा देंगे, एकदम 100% ठीक है अर्जा। रिया समझ गए? हाँ अच्छा, ये समझ में आया रिया, बताओ। यस सर। यस सर। सर लेकिन सर ओपनिंग एंट्री जो बनाते थे सर, हेलो सर, तो ऐसे ही मतलब कि जब मतलब कि ज्यादा हो जाता तो गुडविल मतलब लगा के सर पूरा कर देते थे। वो कुछ और एंट्री है, फिर तुम नहीं समझ रहा है, ठीक है ना, वो कोई और एंट्री है। अच्छा अच्छा, वो दूसरा ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री जो इन जनरल जो होता है ना, उसमें गुडविल नहीं करेगा। अब गुडविल अगर पहले से होगा तब आएगा, ओपनिंग एंट्री करने के चलते नहीं आएगा, ठीक है ना। अच्छा अच्छा सर, तो उनको भी सर समझा दीजिएगा उसमें सर डिफरेंस क्यों आता है सर। तो वो भी बता देंगे, और कुछ एक्सेप्शनल केस में ओपनिंग एंट्री में भी गुडविल आ जाएगा, समझ गए, उसके लिए बताएंगे। जब बुक ऑफ अकाउंट कंप्लीट मेंटेन नहीं करता है ना, तो मान लो तुम्हारा अपना बुक ऑफ अकाउंट रख भी नहीं करते हो, तुमको पता है नहीं तुम्हारे पास कितना स्टॉक है, कितना कैश है, कितना बैंक है, कितना डेटर है, कितना फर्नीचर है, कितना लैंड है, कितना बिल्डिंग, एसेट लायबिलिटी का तुम्हारे पास सही से रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, टोटल तुम्हारा बैलेंस शीट मिला नहीं होगा, तो उसी लिए उसको मिलाने के लिए गुडविल और कैपिटल रिजर्व यूज कर लेते हैं, वो आगे बताएंगे। लेकिन सर ये ओपनिंग वाला सर हम बता दीजिएगा, ओपनिंग एंट्री में क्यों डिफरेंशिएट होता है सर? ठीक है, बता देंगे, वही चीज वही है, अभी फिर बोल रहे तुमको कि रिकॉर्ड सही से नहीं रखा होगा तब आएगा, नहीं तो पहले से ही गुडविल होगा तब आएगा। सर अभी अगर मतलब मैं तो बिजनेस परचेज कर लिए, तो अभी जब मेरे बुक में ओपनिंग एंट्री होगा तब उसके इसका तभी तो गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व आएगा। तुमको कौन बोला कि इसको ओपनिंग एंट्री बोलते हैं? नहीं सर, मतलब साल के अंत में अगर मैं खरीदी तो ओपनिंग और क्लोजिंग कोई अमलगेमेशन के केस में एंट्री नहीं होता है, तब ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि तुम लोग पूछता है कुछ और तुम्हारे दिमाग में फिट है कुछ,
समझ गए, इसको ओपनिंग एंट्री थोड़ी बोलते हैं जी, ओपनिंग एंट्री बोलते हैं जब बिजनेस हम लोग को पिछला साल क्लोज किया ना, क्लोज करने के टाइम में सारा बुक ऑफ अकाउंट क्लोज करने के लिए जो एंट्री मारते हैं उसको बोलते हैं क्लोजिंग, और फिर उसको वापस जो लाते हैं बिजनेसमैन से उसको बोलते हैं ओपनिंग, ये ओपनिंग एंट्री है। नहीं आना चाहिए फ्लक्चुएशन, ठीक है, और जो तुम बोल रहा है अगर उसमें भी एकदम डीप जाना है तो उसको भी करेंगे, ठीक है ना, लेकिन सर वही चाहिए सर, तो ये हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है सर। चलो सर, ये अचानक जो सर फायदा, इसको ये क्या बोले सर, कैपिटल रिजर्व बोले सर, 2 लाख का रिजर्व। अरे काहे रट रहे हो तुम, रटना नहीं है, हम ऐसा ब्लड में डाल देंगे कि सब चला जाएगा, ठीक है। ऐसा लॉस हुआ उसके लिए तो सर गुडविल, अच्छा गुडविल, हाँ सब ना करते हैं बताते, ठीक है रखते हैं जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।